मैं हूं आलम रिजवी और आप देख रहे हैं अवधनामा न्यूज। अवधनामा न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पेश है आज की मुख्य खबरें। SBI समेत देश के कई सरकारी बैंकों में हड़ताल, दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में दिखा असर। देश में लौटी कोरोना की पाबंदियां, नागपुर में लगा लॉकडाउन, मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की हो सकती है दस्तक। मुकेश अंबानी बॉम्ब स्केयर केस में NIA की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस की कार्रवाई, पुलिस अधिकारी सचिन वजे निलंबित। पूर्वी दिल्ली के 90% इलाकों में जलापूर्ति बहाल, लगातार 3 दिन तक परेशान रहे लाखों लोग। पुरुलिया की रैली में व्हीलचेयर पर बोली ममता, नंदीग्राम में भगवान की कृपा से बची। तृणमूल में शामिल होते ही यशवंत सिन्हा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ममता ने बनाया पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन में गडकरी का दावा, राज्य में आएगी भाजपा की सरकार, बंगाल की होगी प्रगति। बिहार विधानसभा में तेजस्वी के बिगड़े बोल, कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया, बिहार में गरमाई सियासत। हरियाणा में निजी सेक्टर में 75% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिका को हाई कोर्ट ने किया खारिज। 1.5 करोड़ नगद, 2.5 किलो सोना, 56 किलो चांदी के साथ बिहार के 2 लुटेरे गिरफ्तार, पटना के व्यवसायी से करोड़ों की लूट। हांगकांग लोकतंत्र समर्थक छेड़ेंगे दुनिया में चीन के खिलाफ मुहिम, जारी किया 2021 हांगकांग चार्टर। म्यांमार विरोध प्रदर्शन में 39 लोगों की मौत, मार्शल लॉ किया गया लागू। सेंसेक्स 900 अंक से ज्यादा टूटा, निफ्टी 14,800 अंक के नीचे आया, बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट। 108 मेगापिक्सल वाले रियलमी 8 प्रो और रियलमी 8 की प्री बुकिंग आज से शुरू। एप्पल का ट्रेड इन ऑफर, 52,000 रुपये के एक्सचेंज ऑफर में आईफोन खरीदने का शानदार मौका। देश की दिग्गज दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की एक्सप्लेस 200T BS6 इंजन के साथ भारत में हुई लॉन्च। भारतीय टीम के उपकप्तान को अगले मैच में भी नहीं मिलेगी जगह, अजीब उलझन में मैनेजमेंट। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज टीम का हुआ ऐलान। विवियन रिचर्ड्स और कई कैरिबियाई क्रिकेटरों ने कोरोना वैक्सीन के लिए PM मोदी का जताया आभार। प्रयागराज में चल रही फिल्म आशिकी की शूटिंग, खेसारी और अम्रपाली हैं साथ साथ। गौहर खान आई मुश्किलों में, एक्ट्रेस के खिलाफ दर्ज हुई FIR। अमिताभ बच्चन की दूसरी आंख की भी हुई सर्जरी, फैंस को दिया अपना हेल्थ अपडेट। अवधनामा न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।